परिभाषा में अकंचन, अकंचन मतलब दीन दुखी दरिद्री के लिए कहा जाता है। उसके अंदर सब अवगुण थे, पर सजनों एक बात जरूर थी, अपने पत्नी के साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब मौका मिलता था तो दान करता था। साधु को, संत को, मुनि को, महात्मा को, थोड़े से चिड़ियों को, कौआ को, किसी भी प्रकार से दान करता था। तो सजनों दान का संग्रह क्या होता है? दान करने वाले आत्मा आदमी के मनुष्य के अंदर आत्मा का स्वभाव जब बनता है तो शांति बनती है। दान अगर आप करोगे तो शांति बनेगी, शांति। दान से ये नहीं कि हमने आपको एक रुपया दे दिया हमको भगवान 10 रुपया देंगे, ये तो परिभाषा छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर में शांति बनेगी। किसी शांति बनेगी? दौ शांति, रंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, योगदया शांति, बृहस्पति शांति, विश्वी देवा शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेप शांति, सामान शांति रेप। कितनी शांति है पृथ्वी से आपको शांति मिलेगी, नारी से शांति मिलेगी, पुत्र से शांति मिलेगी, आपको हर जगह पर शांति मिलेगी, दुख का अनुभव नहीं होगा, शांति ही शांति रहेगी। और सजनों, जब शांति का नाम संतोष होता है, जब आप ये संतोष धन विचार करिए, जब आप ये संतोष धन सब धन दूर समान, जिस समय संतोष रूपी धन हमारे ग्रह शरीर में हमारे धर्म में आके विराजमान हो जाता है तो संसार का कितना भी धन हो वो धूल के समान होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बादशाह पूछते हैं वजीर से, क्यों वजीर मेरे गद्दियों में बाल क्यों नहीं? वजीर ने कहा जवाब मेरे बाप को देना पड़ेगा, जवाब मैं दूंगा, क्या करूंगा मैं, मेरी गद्दियों में बाल क्यों नहीं? बादशाह ने कहा। उसी समय वजीर कहता है महाराज आप दान बहुत देते हो, इसलिए देते देते बाल छट जाते। वजीर बोला हाथ के बाल छन गए, और कहीं वजीर तेरे हाथों में बाल नहीं? कहा महाराज हम लेते लेते छन गए, आप देते हो मैं लेता हूं उसमें छन गए। और ये सारे संसार की गद्दियों में बाल नहीं है कि वो इसलिए नहीं है, देना ना लेना, मलते मलते छन गए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की थी। सज्जन मंदो 3 घंटा कथा की फीस होती है 1 रुपया। कितनी फीस होती है? पंडित 3 घंटा कथा करे उसकी फीस कितनी है? 1 रुपया। वो भी कायम लेता है, भगवान की पूरी कथा हो जाने के बाद, आपको तृप्त कर देने के बाद जब आरती घुमाता है और आरती के लिए जब तुम्हारे पास भेजाता है तो क्या होता है सर? अगर तुम्हारे पास धन अगर है और गद्दियों लगा करके धन को अगर देते हो तो हाथ की जो रेखाएं होती है वो मजबूत बनती है, वो धनशाली वाली बनती है, पुत्रशाली बनती है। और कहूं तो पत्ती और बुझा दे तो पूरी बंदा मन में हरी ला लगी, दारो कछु नहीं बुझा हो। कभी भी हो भगवान की आरती हो, रुपया ना डालो तो फूल डालो, फूल ना हो तो थोड़ी सी चौड़ डाल, क्यों? उतारी हुई भगवान की आरती है। जब भक्त आरती उतारता है तो भगवान का पाप खिंचता है, आरती के द्वारा पाप खिंचता है, वह पाप के लिए भगवान के पाप को हम धीरे धीरे सब बांट लेते हैं। और धीरे से जब शाम को भक्ति भगवान की लगाते हैं उस टाइम पर जो राम का नाम लेते हैं वो पाप क्षार हो जाता है। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सही उत्तम तटस्थ जीव जंतु दंत भुक्ति मुक्ति दायकम ब्रंज विष्णु शंकरा स्वकीय धाम बरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शाम को जब नर्मदा जी का नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम सबका लेके राम राम कहते तुलसी राखी कहती निक्षत पाप पहाड़, पहाड़ जैसे पाप निकल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पवित्र स्तो वचन पहुंच। तो सजनों वो दान करता था, दूसरा सम्मान करता था।
ये सीखिए। दान करता था, सम्मान करता था। सम्मान क्या था? याते कहत पुकार के सुनो सकल देकान, हेम दान गज दान के बड़ो दान सम्मान। तुम्हारे घर पर पंडित पहुंचा, बोले पंडित जी द्वारे पे वो गैया बन रही है, बोले जावा। तो सजनों, अगर गैया की जिंगा पे हाथी भी अगर अब दे देते तो आप कुछ नहीं मिलता आपको। अगर तुम्हारे मुख से इतना निकल जाता पंडित जी आइए बैठिए, तो सजनों आपका दान सब कुछ भी दान ना दे तो आपके संसार के सब दान हो जाते हैं। तो सम्मान करता था, दान करता था, सम्मान करता था। आओ सजनों, जब किसी भी जीव को ऊपर जब वो शस्त्र जब चलाता था तो उसको दया आती थी, इसलिए उसने शस्त्र चलाना भी छोड़ दिया। ऐसा भृगराज पत्नी दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, भिल्ल होकर के धनुष बाण को धारण करने के पश्चात अपने गुजारा वाला किसी भी जीव का हत्या नहीं करोगे तो अपना काम कैसे चलेगा? तुम क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे, हमारा कैसा काम चलेगा? उस भक्त ने कहा, उस भक्त ने कह दिया, संसार में जिस भगवान ने हमारा जन्म दिया है वो हमारी व्यवस्था कर दे। देखिए सजनों, भीष्म पितामह के लिए 121 बाणों में अर्जुन की सैया बनाई गई, 121 बाण भीष्म पिता के पूरे शरीर में छिपे हैं, हाथ में छिपे हैं, केवल मुख अब सजनों क्या व्यवस्था बनेगी? दुर्योधन भोजन लेके आता है, भीष्म पिता मैं कहते बेटा ले जा, मैं नहीं करूंगा। कोई व्यवस्था करते हैं तो किसी से व्यवस्था नहीं करते, पर जब भीषण जब भीष्म पितामह जब अकेले बचते हैं तो सजनों उसी समय भगवान आते हैं, हाथ फेर देते हैं, भीषम तृप्त हो जाते हैं, अभर जाते हैं, और गंगा आती है तो मुंह में थाल लगा के पानी पिलाती है, जल भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, अलमस्त 121 के बाणों की सैया पर भगवान का नाम ले रहे कौन? भीष्म पितामह। कहा गया जिसको जन्म देते हैं उसका पालन भी करते हैं। जन्म देने वाला ब्रह्मा, पालने वाला महाविष्णु, और सजनों संहार करने वाला शंकर। हमारे राम का, हमारे भगवान का एक रूप भरत है, तुलसीदास जी ने लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई का भरण और पोषण करने वाला भरत। बिलराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरी और तुम्हारी व्यवस्था नहीं, वह संसार की व्यवस्था करता है। किसी को फल फूल चाहिए उसको फल फूल मिलते हैं, किसी के लिए पत्ती चाहिए पत्ती मिलती है, पत्ते चाहे पत्ते मिलते हैं, चावल चाहे चावल मिलते हैं, दूध चाहे तो मिष्ठान चाहे तो जिसकी जिस चाहिए वो मिलता है। क्यों नहीं मिलता सजनों? सारा विचार करिए, अपने मन में थोड़ा सा विचार कर लो कि आज हमारी मिठाई खाना है, घर पर न मिले परंतु घूमने भी कही जाए तो मिठाई का प्रसाद मिल जाएगा, वो सबकी व्यवस्था करता है। अन्नम मृषान्यम महादिव्यम चा वर्तते है, अन्न महायन्न मिष्ठान्न, संसार की सर्व वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया और सब तुम्हारे लिए ही बना रहा, क्यों घबरा कर? अरे सजनों मैंने तो ये तक देखा है, बुरा ना लगे आप लोगों को, लग जाए बुरा तो कोई बात नहीं। 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा करने जा रहे, कौन देखने जा रही? बद्री भगवान। और कौन देखने जा रहा?
का शंकर भगवान हरिद्वार पर 15 दिन के पहले ही बड़े बड़े अच्छे लड्डू बना ले, सेव बना के तैयार कर ले, व्यवस्था पूरी बना ले, कहूं खावे पीवे न मिलो तो कम समझाए हम खा गया। कितनी व्यवस्था बना के जाते और सजनों जब व्यवस्था तुमने बना नहीं, पानी की व्यवस्था बना नहीं, जब व्यवस्था में हम तृप्त हो गए, हमारी व्यवस्था बन गई और कहीं हवा भर के ले गए आप संगत, और हवा निकल गई आपकी, फिर का करो आपके लड्डू का करो, हवा तो नहीं ले गए आपसे सियाम भर के, कहूं कहूं जो हवा हमारी सांस खत्म होने लगी हम जा भर ले, नहीं ले गए ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रतन ये अधम शरीर, इस अधम शरीर के लिए आप कितनी व्यवस्था बनाते हो। भगवान शंकर ने इसी बात के लिए राख लगा ली कि संसार में ये जीवन राख में ही मिलना है, इसलिए पहले से इसके अंग कुट कर लो। तो सजनों वह निर्मल स्वभाव का जो निर्बल था, गरीब जो था, वो भिल्लराज उसी समय अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं जंगल में घूमने के लिए जाऊंगा। भ्रमणते यस्य कालाम सम गया, मैं भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। भ्रमण किसको कहते हैं सजनों? भ्रमण चलने के लिए नहीं कहते, भ्रमण उसको कहते हैं कि कहीं देवता मिल जाए, ऋषि मिल जाए, मुनि मिल जाए, महात्मा मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, साधु मिल जाए, सन्यासी मिल जाए, अच्छे स्थान मिल जाए, तीर्थ मिल जाए। तो भ्रमण का मतलब यह है कि मैं सब जगह पर उनके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आऊंगा। याद रखिए सजनों, हमारी संस्कृति में अगर कहीं मंदिर बना है और आप पांव में पनैया पहने जा रहे हैं, कितनी जल्दी जा रहे हैं, भक्त वाले हैं, तो पनैया अपने आप उतर जाएगी, प्रणाम हो जाएगा। और अभिमान सूत्र का आदमी अगर है तो सजन में तो ध्यान रख लेना, न वो पनैया मंदिर में उतार न कहीं उतार। आज का जो बात चल रहा दूर आए तो जूता लाने, अब जूता पहने भगवान के मंदिर में जाओ, काय काय जा रहा हूँ, 2-3 दिन को सरदार है, पूरी वृंदावन की हाई लान लीजिए, सरदार भगवान के दरबार में जूता पहने। आज को जमानो चलो संजनो, भोजन बना रही है भाई है, भोजन अच्छे से बना रहे थे और बाकी बात कब कहें ठंडे हैं ये पथरा, जिन बटास लगी ठंडे हैं तो पाँव चप्पल पहन के बना रही पूरी वृंदावन में हरी लगी। तो भ्रमणते यस्य कामयाहा, भ्रमण करने के लिए जब वो चलता है तो कोई भी रास्ता में संत मिलता है प्रणाम करता है, साधु मिलता है प्रणाम करता है, मंदिर मिलता है सिर टेक लेता है, और सजनों कहीं जो कुछ बनता है थोड़ी सी प्रार्थना भी कर लेता है, चलता आगे आगे। प्रारंभ का किया हुआ भजन, शरीर में लगा हुआ भगवान का यजन सजनों मनुष्य को कहीं कमजोर नहीं करता, मनुष्य को ऊंचा ही रखता है, उसका झंडा ऊंचा ही रहे। आइए, हमारे हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था उस टाइम पर क्या लिखा, प्रवेश में ही भगवान का नाम लिखा हुआ है। जब समुद्र में कूद रहे हैं, जब भगवान के लिए प्रणाम कर रहे हैं, किसी भी जगह भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, और भगवान जितना बने उतना तुमको भजन करना चाहिए। एक भैया थे, उनके गुरु जी आ गए, गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा समय हो गया है, पुराने हो गए, 40-45 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, 50 की हो गई, अब तुम माला घुमाना सीखो। तो कही गुरुजी दे जाओ माला, तुम माला ले ले, माला में घुमाने लगे। विचार करी हम जाए घुमात घुमात बहुत परेशान हो जाए हैं, और गुरुजी की याद क्या है कि माला घूमना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करें कि घर में हमारी इलेक्ट्रिक रूपी एक पंखा टंगा है, हम उसमें इसके लिए बांध दें, और जिस समय पंखा जब चलेगा पटन के द्वारा तो माला अपने आप घूमती रहेगी। गुरुजी आए बोले बेटा तो माला घुमा रहे हो, गुरुजी बात तो आवे भी घूम रहे, तने ऊपर नजर के देख करके देखो, हमने बटन चलाई तो हवा मिल रही है, जय पंखा में पर लगी है अपने आप पंखा के घूमत है घूमत है माला जा रहा है। तो सजनों माला तो कर्मे फिरे जीभ फिरे मुखमाए, और मणि राम चौदस फिरे ये तो सुमरण है, स्मरण करना, स्मरण करना
बड़े भाव की बात है। संसार के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दोष्टा जुगुप्सा जैसे महापापों का त्यागन जब करोगे, जब तुम्हारे मुख में राम का नाम आएगा, जब मुख में राम का नाम आएगा तो वह राम काम कब बनाएगा, जब तुम्हारे संदर्भ 12 दोष इस कलयुग के निकल जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे चलता है, अग्रित होकर चलता है, भजन करते हुए चलता है। क्या भजन करता है? हरे कृष्ण गोविंद माधव करते सजनों जंगल का भ्रमण करता है, शेर भी मिलता है, चीता भी मिलता है, भालू भी मिलता है, कोई भी चलने में भगवान के भजन करने में कोई भी चीज मिलती है, वो रास्ता को दूर रास्ता से दूर होता है और आगे आगे बिलरा चला जा रहा है। बोलो भगवान की भजन में कितनी ताकत। पहला भगवान का भजन करने वाला था, खंभ से बांध दिया, लोहे के खंभ से बांधा, बोला आज हिरण्यकश्यप कहता है आज तेरी रक्षा करने वाला कौन है। उसी समय कहा प्रहलाद कहता है मेरी रक्षा करने वाला इस खंभ में भी है, इस खंग नाम तलवार में भी है। वह जगत व्यापी ईश्वर भगवान के भक्त की हमेशा रक्षा करता है। जंगल में से चला जा रहा है, भ्रमण करते जा रहा है, प्रणाम करते जा रहा है, भगवान का भजन करते जा रहा है, और सजनों जितने भी जीव जंतु जंगल में मिलते हैं वो सब प्रणाम करके चले जाते हैं। धीरे धीरे भ्रमण करने के पश्चात एक सुंदर नगर के पास आया, और सुंदर नगर के पास जावा आया तो एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिखा, खंडहर मंदिर, जिस मंदिर में भगवान शंकर की शिवलिंग की मूर्ति थी। उस मूर्ति के लिए सज्जन मिलो देख करके और वहीं पर रुक जाता है। बोलियो मां अपनी महादेवी की जय।
मूर्ति को देखता है और वहीं पर रुक जाता है और सज्जनंदो रुकने के पश्चात मूर्ति को प्रणाम करता है। अपनी तूनी में स्वच्छंद पानी जो था उस पानी के लिए मूर्ति पर डाल करके प्रणाम करता है और उसी समय विचार करता है ये शिवलिंग भगवान शंकर के मंदिर में पड़ा हुआ है, रखा हुआ नहीं है, स्थापना रूपी नहीं है, केवल पड़ा है, आड़ा पड़ा है। और क्या है, इसके आसपास कचरा भी है, इसके आसपास अपवित्रता भी है। इस मंदिर के पास ना कोई जल है, ना बेलपत्र है और ना कोई देखने वाला। भगवान शंकर की मूर्ति के लिए अपवित्र जान करके खंडे हर मंदिर में विचार करने लगा कि भगवान शंकर तुम्हारी ये गतिमति क्या है। है भी सजनों, भक्त को भगवान की बड़ी खबर रहती है। एक भक्तराज भगवान के सामने आए, बोले भगवान मैं आ तो गया हूं पर मैं तुमको लाया कुछ नहीं हूं। भगवान ने कहा कुछ लिया कुछ नहीं लाया, मेवा है मिष्ठान है कुछ नहीं, तो मही ले गया जाता, मठा ले गया जाता, पर वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं लाया तुमको। कहा क्यों, क्यों नहीं लाया? कहा मैं इसलिए नहीं लाया, फूल जो चढ़ाऊं तो भोरा श्वास लेत और पात जो चढ़ाऊं तो वृक्ष को उजाड़ है और मेवा मिष्ठांग जाने माखी मुह मार दे और दूध जो चढ़ाऊं तो पक्ष को जुड़ार है। याते भगवान सबको अपवित्र जान, याते भगवान मेरी सूखी नमस्कार है। मैंने देखा है अगर जल चढ़ाऊं तो कपचमक्ष पीते हैं, अगर दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठा है, पात जो चढ़ाऊं तो वृक्ष का उजाड़ होता है, फूल जो चढ़ाऊं तो भोरा श्वास लेता है, इसलिए मैंने सबको अपवित्र जाना और हे महाराज मैं आपको सुखी नमस्कार कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, निर्मल मन जब सो मुई भावा, निर्मल भावता से भगवान को कुछ भी ना दिया जाए तो भगवान प्रसन्न होते। एक भक्तराज हाथ में विचार करो बहुत दिन के बाद कि आज मैं भगवान के शंकर के दरबार में एक रुपया चढ़ा के आऊ, बड़े कंजूस थे, मुट्ठी में रुपया रख लो तो कतार में लग गए, भगवान शंकर के दर्शन जो कतार से हो रहे थे पीछे पीछे वो भी लग गए। सोच तो यही है लगे आज मैंने एक रुपया भगवान पे चढ़ाने, एक रुपया भगवान चढ़ाने, एक रुपया भगवान चढ़ाने, कैसे गवा तो भगवान टका कर टका धर्म टका ही परम कपा ऐसे ही टका नास्ती हाँ टका टक टका बड़ी मुश्किल को मिलो है कि अब चढ़े हो मैं कैसे जी हुए मेरे भगवान मेरे वो रुपये कहाँ जे है कौन ले जे है चढ़ा लो पढ़ लगो ले आओ। जैसे धीरे धीरे लेन जब्बा की छूटी भगवान शंकर सामने आने लगे तो भाई टाइम पे मारा मुट्ठी खोल कर देखी तो सजनों बहुत देर को खीर मुट्ठी में रखे तो पसीना आ रहा, मुट्ठी में पसीना आ रहा, तो वो कह रहा रुपया से तू रू मत ही मैं बिल्कुल नहीं चढ़ाऊ मैं तो ऐसे ही चलो जो बोलिए सजनों रुपये लेके चलो तू रू मत हर हर मर मत तो सज्जन में तो दुख होता है, दुखम व्याप्तम दुख व्याप्त जाता है और दुख जब व्याप्त होता है उसी समय विचार करता है मैं इस गांव के लोगों से मिलूं, इस गांव के भक्त कैसे हैं, इस गांव की रहन सहन कैसा है। याद रखिए सजनों कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी चवारिया, कभी भी हो जिस गांव में भगवान की पूजन नहीं होती, जिस गांव में भगवान का मंदिर नहीं होता, जिस गांव में भक्त नहीं होता वो कुग्राम है, जिस गांव में नदी नहीं होती वो गांव की शोभा नहीं होती, जिस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है गांव की शोभा नहीं होती, जिस गांव में कोई महापुरुष नहीं है गांव की शोभा नहीं होती, जिस गांव में अच्छे कर्म नहीं होते उस गांव का अच्छा फल नहीं। याद रखिए सजनों
इसी प्रकार से घर, जो लोग घर में रहते हैं, घर में भगवान की पूजा नहीं होती, उस घर में आप देखिए दुष्ट स्त्री सतम मित्रो प्रत्योत्तरदाय का ससर्पे ग्रीवासु मृत्यु रेव न संशया। उस घर में स्त्री जो होगी वो दुष्ट हो जाएगी, मित्र जो अगर आपके होंगे तो सट हो जाएंगे, और अनोखर जो आपके होंगे वो आपको जवाब देने लगेगा, और एक दिन घर में सर्प रहेगा, और जब ये स्त्री चीजें पैदा हो जाए तो तुम्हारा घर का विनाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दुष्ट स्त्री सतम मित्रो प्रत्योत्तरदाय का ससर्पे ग्रीवासु मृत्यु रेव न संशया, मृत्यु आपकी करीब करीब। विचार मार बन करके देखो, परोपकारी बन भी आओ, नीचे पड़े भारत को उठाओ। हे मित्र त्यागो मन मोह माया, नहीं रहेगी ये नित्य काया। बुरा की अच्छा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, और बिना विचारे यदि काम होगा तो कभी ना अच्छा परिणाम। विचार बन करके चलो, घर को संभाल के चलो, पूजा को संभाल करके चलो, प्रताप को संभाल करके चलो, दान को संभाल करके चलो। जब चलोगे तो सब समझ जाएगा। गांव के लोगों के पास जाता है, प्रार्थना करता है, भैया तुम्हारे गांव के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर की व्यवस्था क्या है? क्या उस मंदिर की व्यवस्था तो बहुत, पर उस गांव की जो व्यवस्था है, उस मंदिर की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमसे चल नहीं पा रही, इसलिए हमने भगवान को छोड़ दिया। भगवान को त्याग दिया हमने, ऐसा कैसा भगवान? भगवान भक्त की रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करने लगा। कहा क्या है कि उसके ऊपर एक नए मुर्दे की भस्मी चाहिए, वो रूप चाहिए, और अगर भस्मी नहीं चढ़ाई वो नाराज हो जाता है। नाराज जब होता है तो गांव के दो चार आदमियों के लिए संगार कर देता है, अपने आप मिटा देता है। जैसे शंकर भगवान से हमको प्रीति नहीं, छोड़ दिया हमने। तो कहा भैया मैं प्रार्थना करूं, कहा करो, कहा तुम शिव के द्रोही मत बनो, शिव के मित्र बनो। शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने होई न भावा। शिव के द्रोही मत बनो, शिव के शत्रु मत बनो। शिव प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक में वास। भगवान शंकर के द्रोही मत बनो, मित्र बनो। कैसे मित्र बनो कि सज्जनों हर वक्त भगवान को चाहो। ऐसे मतलब नहीं, भगवान की पूजन करो, पाठ करो, आप किसी प्रकार का भाव रखो। दुख में दुख लूट मनावे सुची, दुख में सुख में सुख लूट मनावे सुची, दुख में दुख देख भगे दही मारो। गर्ज पड़े पूरी ना ही मिले, गर्ज पड़े नहीं छोड़ द्वारो। चुगली से लगे की प्रीत बुरी, कभी ब्रह्म कहे न करो बजारो। और मित्र न यश करो सपने रह खीर में सोज महेरी में। भगवान कछु तुमने घर में कह दिए थे कि हमारो भगवान बड़ो अच्छो गांज लगवा हो, और जब कछु लिए थे तो कि भगवान ने हमसे बड़ो को रोको। जब आओ तो तुमने घर में, जब अच्छो करो, जब जा रहो जब बुरो लगो। तो सज्जनों दोष भगवान को देते हैं, और भगवान सज्जन बंधु दोष को पूर्ण कर देते हैं। अब अगर तुम दुखी अपने मन से हो रहे तो भगवान तुमको अति दुखी करेगा, और सुखी अगर तुम अपने मन से हो रहे तो भगवान तुमको अति सुखी करेगा। गांव के लोगों ने कहा हम उस शंकर भगवान से कोई मतलब नहीं, पर भक्त था, हृदय में भील राज की भक्ति जाग गई, बैराग्य जाग गया, उत्तमता जाग गई, चतुरता जाग गई। कहा जिस गांव में भगवान शंकर को त्यागा जाता है, अगर मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अगर तुम भगवान शंकर के ऊपर अगर तुम भस्मी लगाने में, मुर्दे की भस्मी लगाने में अगर तुम समर्थ नहीं हो, तो मैं भगवान शंकर को ले जा रहा हूँ, मैं भगवान शंकर की विधिवत ही पूजन करूंगा। सजनों, गांव के लोगों ने कहा, विचार करके कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है, अगर ये भीड़ रहा,
ये शंकर के लिए अगर अपने पास ले जा रहा है तो ले जाने दो, पर ये बखेड़ा टर गई। भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, सर याचे अंतम सेवको अनुग्रियताम, मुझे सेवक समझ करके आप मेरे कंधे पर आ जाओ। अति वजनदार मूर्ति थी, लिंग था, उसी समय कंधा को लगाया और कंधे के ऊपर उस महामूर्ति को लेकर के चला। भगवान शिव का नाम आता नहीं था, पर सज्जनों भगवान का नाम लेते हुए चलते। भगवान का विचार है, कोई भी भक्त मुझे अगर चाहता है, अगर वो मुख से कुछ नहीं कहता है, अगर आत्मा से मेरा भगवान है इतना भी अगर कह दे तो भगवान उसके लिए पुरुषार्थ प्राप्त कर देते हैं। सज्जनों जाकर के कुछ दूर पर कुटी रह गई थी और वहां पर पहुंचा। धर्म पत्नी जो उसकी पत्नी थी वो दूर से देख रही थी, आज मेरे पति को अच्छा बड़ा शिकार करके ला रहे हैं, आज इन शिकार को मैं भी तृप्त हो जाऊंगी, मेरे पति भी हो जाएंगे, मेरे बाल बच्चे भी हो जाएंगे। सर जो दौड़ दौड़ के जाती है मेरे पति का भजन में उतार लू, दौड़ी और दौड़ करके जब पास में आई तो पति को पसीना पसीना जब देखा, उसी समय कहा मेरे स्वामी ये जो क्या लाए हो मेरे कंधे पर दे दो। कहा मैं शिव लेकर के आया। पत्नी ने कंधा लगा करके अपने पति का भार अपने कंधे पर ले लिया। और सजनों उसी समय थोड़ी देर बाद कहता है कि मेरे शंकर भगवान मेरे कंधे पर दे दे, कंधे पर दे दिए। कहा तू जा, जाकर के जिस भगवान को अपन अपनी कुटी में जहां बैठा लेंगे वहां गोबर से शरीर गोबर से और लीप दे लेंगे। जहां भगवान का स्थान होता है वहां पांच चीजें चाहिए, ज्यादा नहीं, पांच चीजें। पहला गौ के गोमात्र से जगह को पवित्र करिए, पवित्र वस्तु वैष्णव प्रभु संतुवा। इसके बाद गौ के गोबर से लीपिए, गौ के दूध से भोग लगाइए, गौ के दही से स्नान कराइए और गौ के घृत के द्वारा ही बत्ती जलाइए। ओम नमो नारायण। ये पांच चीजें ना हो संसार की हर चीज डालते रहो, पर सजनो गृह पवित्र नहीं होगा, घर पवित्र नहीं होगा, भगवान प्रसन्न नहीं होगा। बेचारी गौ की गोमात्र से गोबर से और थोड़ा दूध दही जो उसके पास शहद था वो इकट्ठा करती है, उस स्थान के ऊपर भल्लराज जो है भगवान शंकर की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। पर अपनी पत्नी से कहा सुनती हूं, कहा काजल भगवान की पूजन तुम विधिवत और हम बेलपत्री और फूल से कर रहे हैं, उनके लिए क्या लगता है? इस भगवान शंकर की मूर्ति के लिए सुनती हो? पत्नी से कहा, धर्म पत्नी से कहा सुनती हो? कहा रोज नए पौधे की भस्मी लगती है। क्या मरे हुए के शरीर से निकली हुई जो भस्म होती है वो लगती है? कहा पतिदेव अगर ना मिली कहीं तो कहा पूजा पूरी नहीं हो पाती है, उसमें कहीं ना कहीं दाग रहेगा, कलंक रहेगा। और हमने संकल्प करके जिस मूर्ति को स्थापित किया है उस संकल्प हमारा पूरा नहीं हुआ। सजनों प्रतिदिन प्रातः उठता है और उठकर के दसों गांव में घूमता है, अगर कोई मरता है उसकी भस्मी लाता है और पत्नी के साथ बैठकर के भगवान शंकर के लिए भस्म चढ़ाता है। पर ऐसा करते 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 एक ऐसा समय आ गया कि पचासों गांव में घूम लिया पर उसके लिए सुबह के शाम हो गई पर भस्मी नहीं। राख जो है मरे हुए मुर्दे की राख जब नहीं मिली उसी समय एक जगह पर बैठ करके और वह पहेलिया जो भील था वो रो रहा है, मन भया है, मन जिसका साथ नहीं दे रहा है, आंखों से आंसू बहा करके क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। पत्नी ने कहा स्वामी क्यों रो रहे हैं?
कहा मैं ये बताऊं, आज मैं 500 गांव में घूम करके आया पर मुझे मुर्दे की भस्मी नहीं मिली, भगवान शंकर के लिए मैं कैसे प्रसन्न करूंगा। पर सजनों इस बात को सुन करके जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा विचार मत करो, चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगी जो होना होता भी, कल का किसने देखा है, खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उनमें रोए क्यों, रोने की जरूरत नहीं है। पर जिस नारी ने अभागन जिस नारी ने अपने पति को रोते हुए अगर देख लिया, दुख में अगर देख लिया, उस नारी के लिए अभागन कहा जाता है जो तेरे रहते हुए पति का दुख दुख नहीं हो रहा। पति उसको कहते हैं कि सहधर्मी मान करके अपने जीवन में अपनी पत्नी के लिए उतारे, और पति उसके लिए कहते हैं कि जिस नारी ने अपने पति की हिस्से धन में गुजारा करते हुए किसी बात की ख्वाहिश न की हो उसके लिए पत्नी कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो धर्म पत्नी कहते हैं। स्वामी अगर भभूत नहीं मिली तो रो मत, उसका प्रबंध हो जाएगा, आज नहीं तो और हो जाएगा। कहा नहीं वो तो रोज लगता है, प्रतिदिन लगता है। तो कहा तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर की पूजन करोगे। कहा का मैं थोड़ा सामान ले आऊं। और जाती है सदरों कुटी में घुसती है, अपने घर में घुसती है, और घुसने के बाद हे स्वामी तुम पूजन की तैयारी करना, मैं अब भी लेकर के आती हूं। और सजनों उसी समय शरीर में आग लगा लेती है, और शरीर में अग्नि लगा करके अर्धजली होकर के स्वामी मैं जब जल जाऊं, मैं जब मर जाऊं, मेरी चिता से थोड़ी सी भस्मी उठा करके तुम पूजा पूरी कर दे। धर्म पारायण का महानारी के शरीर में अग्नि लगी हुई है और अपने पति को संबोधन कर रही है, और पूर्ण जन जाने के बाद सजनों थोड़ी सी भस्मी ला करके भगवान शंकर से निवेदन किया जाता है। बोले ना मैं रो नहीं रहा, पत्नी को रो नहीं रहा, क्योंकि पत्नी ने तो परोपकार का काम किया है, पर रोने का कारण मेरा यह है कि रोज हम दोनों मिलकर के तुम्हारी पूजन करते थे, आज मैं अकेला रह गया हूं, मुझे क्षमा कर। उसी समय सज्जन बिंदु भभूत को जो लगाया, लगाते से ही उस महान लिंग से, उस महान शंकर भगवान के स्वरूप से भगवान शंकर निकलते हैं, निकल करके कहते हैं हे भिलराज तूने अपनी पत्नी के लिए और अग्नि के अंदर ज्वालित करने के पश्चात जिस नारी ने अपने शरीर को ज्वालित करते हुए तुमको भस्म दी जो लगा दी, आज से मैं तुम्हारी पर अति प्रसन्न हूं कि मेरे पीछे तुमने अपने शरीर के लिए जला दिया। पर ध्यान रखिए जो प्रतिदिन मेरे शरीर के ऊपर भस्मी लगती थी इसकी सावासी तुमको ये मिलेगी कि मुझे कालेश्वर महाकाल कालेश्वर शंकर मान करके मेरी स्थापना करो। उसी समय दोनों भिलराज और भिलनी जाते हैं साधु संतमुनि महात्माओं के समझ में, उज्जैन में जाकर के भगवान शंकर की स्थापना करते हैं जिसका नाम काल कालेश्वर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अब यहाँ पर हमारे संगीतज्ञ आप लोग सुंदर भजन सुनाएंगे। हर हर नारायण महादेव ही लगाते हैं सबको किनारे, हर संकट से दूर करे महादेव, जो भी बोले सच्चे दिल से उनके जयकारे। चल के तो देखो कैलाश पर, जरा चल के तो देखो कैलाश पर, भोले सबूप जाते बड़े पर, भोले सबूप जाते चले।
भूलिए शंकर भगवान।